नमस्कार, मैं डिंपल शर्मा आप सभी दर्शकों का सिंधु यू चैनल में स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र, इन दिनों उल्लासनगर में टोइंग वैन के कर्मचारियों की दादागिरी चरम सीमा तक पहुंच गई है। इस टीम की नजर सिर्फ दुकान के बाहर खड़े दो पहिए वाहनों पर ही जाती है। उन दो पहिए वाहनों को टोचन इस बेदर्दी के साथ किया जाता है कि उन वाहनों को अधिक से अधिक क्षति पहुंचे और वाहन मालिकों के साथ भी असभ्य बर्ताव किया जाता है, जिसे सहना वाहन मालिकों के लिए एक मजबूरी हो जाता है, नहीं तो वाहनों को और भी अधिक क्षति पहुंचाई जाएगी। ठीक इसके विपरीत पूरे बाजार भर में ऑटो रिक्शा अव्यवस्थित खड़े रहते हैं, जिन पर टोइंग कर्मचारियों की नज़र तक नहीं जाती। पता नहीं ऑटो रिक्शा वालों ने इस कर्मचारियों पर क्या फिरकी चला रखी है जो उन पर मेहरबान रहते हैं। हाल ही में कैंप नंबर 5 स्थित गोदाउन बाजार में ऐसी घटना घटी। इस टोइंग की दमनकारी नीति के विरुद्ध व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया और पूरा बाजार बंद हो गया। ऐसे व्यापारियों की एकता तारीफ़ काबिल रही। हालांकि हिल लाइन पुलिस स्टेशन पर टोइंग वैन के कर्मचारी हरेश कटरे की शिकायत पर व्यापारी विक्की गुलशन एवं अन्य 5 लोगों के विरुद्ध धारा 323 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन टोइंग वैन कर्मचारियों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो सिंधी व्यापारियों ने अपनी एकता दिखाई वह तारीफ़ काबिल रही। शांति से रहने वाला सिंधी व्यापारी समाज अब किसी भी प्रकार की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। उपरोक्त जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संगठन के सुनील गंगवानी ने दी।